सो फाइनली दोस्तों अभी जस्ट चाइना में रियलमी ने रियलमी जी टी मास्टर सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, रियलमी जी टी मास्टर एडिशन एंड रियलमी जी टी मास्टर एक्सप्लोरेशन एडिशन। दोनों भी स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किए गए हैं। प्राइस स्लाइडली आपको थोड़ी सी ओवर जरूर लग सकती है, बट स्पेसिफिकेशन फोन में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। इस वीडियो में दोस्तों इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में बात करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ये भी बात करेंगे कि ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा तो किस नाम से लॉन्च किया जा सकता है और किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जा सकता है। तो गाइज अगर आप इस फोन के इन सभी डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पैसे थोड़ी लग रहे हैं, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑलराइट दोस्तों, तो इस सीरीज में दो स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रियलमी जी टी मास्टर एडिशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो दोस्तों डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया, इन तीनों में से दो फोन का डिजाइन सिमिलर देखने को मिलेगा, एक का डिजाइन अलग दिया गया है जिसका बैक पैनल लेदर का है। बाकी दो फोन में प्लास्टिक बैक दिया गया है, साइड फ्रेम कहा जा रहा है एल्युमिनियम का है। फ्रंट की तरफ फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलती है, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में पंचोल का कटआउट दिया गया है। ऊपर और दोनों साइड के जो बेजल्स है फोन में पतले देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में बात करें तो ये हल्के दिए गए हैं। 8mm का थिकनेस फोन में देखने को मिलता है, मतलब फोन काफी स्लिम है, काफी पतला है। और ये 178 ग्राम्स का फोन है, तो मतलब फोन काफी लाइट वेट भी है, सिंगल हैंडेड यूज, छोटे हाथ वाले भी लोग आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ओवरऑल फोन डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें 6.43 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है। सैमसंग का एमोलेड पैनल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, 1100 निट्स का ब्राइटनेस है, डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ इसमें HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट दिया गया है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले काफी अच्छा है, काफी ब्राइट डिस्प्ले फोन में देखने को मिलता है। HDR 10 प्लस होने की वजह से कलर्स आपको काफी पंची देखने को मिलेंगे, कॉन्टेंट कंज्यूमिंग करते वक्त एक्सपीरियंस इसमें अच्छा मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आता है, 64MP का इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी सेंसर 64MP के हैं जो कि एक वाइड एंगल सेंसर है, सेकेंडरी सेंसर 8MP के दिए गए हैं जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, थर्ड सेंसर 2MP के हैं जो कि एक माइक्रो सेंसर है, और फ्रंट की तरफ इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ये सोनी का IMX615 का सेंसर है, कैमरा अच्छा है, HDR बुके पेनोरमा सब कुछ का ऑप्शन इस फोन के कैमरे में आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम इस फोन के कैमरे से 30fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें 4300mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। इस फोन में LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज, 3.5mm जैक, NFC लाइनर मोटर, सिंगल स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक का सपोर्ट दिया गया है। और इसे 8GB 128GB 8GB 256GB के दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस फोन में 8GB का फिजिकल रैम तो देखने को मिलता ही है, साथ में 5GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया, मतलब टोटल इसमें 13GB के रैम देखने को मिलते हैं जो कि काफी अच्छी चीज है, एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन रियलमी UI 2.0 के ऊपर रन करता है जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में, तो इसमें क्वालकॉम का चिपसेट दिया गया, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट है जो कि एक 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है, मतलब इस फोन में आपको बैटरी एफिशिएंसी अच्छी खासी मिल जाएगी। ग्राफिक्स के लिए इसमें एडिनो 642L GPU का इस्तेमाल किया गया है जो कि सभी तरह के गेमिंग वेमिंग आसानी से हैंडल करके दे देगा, तो परफॉर्मेंस भी इस फोन में आपको काफी अच्छा मिलेगा। मिड प्रीमियम कैटेगरी का चिपसेट है तो नो डाउट परफॉर्मेंस इसमें आपको काफी अच्छा मिलेगा। हाँ तो दोस्तों ये थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों बात करते हैं रियलमी जी टी मास्टर एक्सप्लोरेशन एडिशन के बारे में। तो ये फोन डिजाइन और लुक्स वाइज कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। इसे चार कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है जिसमें कि दो तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा, दो में आपको बैक पैनल जो होगा वो लेदर का देखने को मिलेगा, दो में बैक पैनल उसी की तरह प्लास्टिक का दिया गया, साइड फ्रेम एल्युमिनियम का है और फ्रंट की तरफ इसमें कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में इसमें भी पंचोल का कटआउट दिया गया है, दोनों भी साइड के इसके बेजल्स जो है काफी पतले देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती है, और ऊपर और नीचे के जो बेजल्स और चिन है फोन में काफी पतले दिए गए हैं। और प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। इस फोन में भी आपको 8mm का थिकनेस देखने को मिलता है, तो मतलब ये भी फोन काफी स्लिम है, काफी पतला है, और ये 185 ग्राम्स का फोन है, तो मतलब ये फोन भी काफी लाइट वेट है, सिंगल हैंडेड यूज, छोटे हाथ वाले लोग इसे भी काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम
नहीं होगी। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी प्लस रेजुलेशन का डिस्प्ले इसमें भी देखने को मिलता है, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले इसमें भी दिया गया है। सैमसंग का एमोलेड पैनल का इस्तेमाल इसमें भी किया गया है, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी इसमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। डॉल्बी एटमोस फीचर्स के साथ डिया 10 प्लस का भी सपोर्ट इसमें भी दिया गया है, तो डिस्प्ले इसका भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले इसमें भी देखने को मिलता है। कैमरे के बारे में बात करें तो ये भी फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, लेकिन ये जो फोन है ये 50 MP के ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर इसमें 50 MP के दिए गए हैं, जो कि सोनी का सेंसर है, सोनी का IMX766 का सेंसर है। इस सेंसर में आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सेकेंडरी सेंसर के बारे में बात करें तो 16 MP के दिए गए हैं, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। थर्ड सेंसर 2 MP के दिए गए हैं, जो कि एक माइक्रो सेंसर है, और फ्रंट की तरफ इसमें भी 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा इसका भी काफ़ी ज़बरदस्त है, HDR बुके पैनोरमा सब कुछ का ऑप्शन इस फोन के कैमरे में देखने को मिलेगा। साथ में मैक्सिमम इस फोन के कैमरे से 30 and 60 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। बैटरी के बारे में बात करें तो Realme GT Master से इसमें थोड़ी सी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, 4500 mAh की बैटरी है, साथ में 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें भी देखने को मिलता है। इस फोन में LPDDR4X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज, NFC सिंगल स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस लॉक का सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसे 8GB 128GB 12GB 256GB के दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। फिजिकल रैम के साथ साथ इसमें भी वर्चुअल रैम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें 7GB का वर्चुअल रैम देखने को मिलता है, तो एक्सपीरियंस Realme GT Master सीरीज से आपको काफी बेहतर मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये भी फोन Realme UI 2.0 के ऊपर आता है, जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में, तो इसमें Qualcomm Snapdragon 870 का चिपसेट दिया गया है, जो कि Qualcomm के फ्लैगशिप चिपसेट में से एक है। 7 nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है, मतलब इस फोन में बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, लेकिन ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 650 GPU का इस्तेमाल किया गया, जो कि सभी तरह के गेमिंग बिल्कुल आसानी से हैंडल करके दे देगा, तो परफॉर्मेंस इस फोन में आपको काफी तगड़ा मिलेगा। तो गाइज ये थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो सबसे पहले Realme GT Master एडिशन के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस रखी गई है दोस्तों 2399 बेस वेरिएंट की, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो होते हैं 26-27,000 के करीब। और वहीं अगर बात करते हैं Realme GT Master एक्सप्लोरेशन एडिशन के प्राइस के बारे में, तो इसके बेस वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 2899, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो होते हैं 33,000 के करीब। तो Realme GT Master एडिशन की स्लाइडली मुझे प्राइस थोड़ी सी ओवर लग रही है। मास्टर एक्सप्लोरेशन एडिशन के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मास्टर एडिशन की प्राइस थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी मुझे लगता है। अगर आप लोगों को भी Realme GT Master एडिशन की प्राइस ओवर लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज अगर आप बात करते हैं कि ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, तो मैं कन्फर्म हूँ कि ये फोन इंडिया में देखने को मिलेगा, बट इस नाम से नहीं लॉन्च किया जाएगा, किसी और नाम से लॉन्च होगा। और कब लॉन्च किया जाएगा, तो लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है दोस्तों कि अगले महीने Realme इंडिया में X9 सीरीज को लॉन्च करने जा रही है अगस्त में, तो हो सकता है X9 सीरीज में ये फोन इंडिया में हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो चाइना की प्राइस है उसी प्राइस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाएगा, 2-3 हज़ार रुपये अधिक करके इसे इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, ये फोन कब तक इंडिया में लॉन्च किया जाता है, किस नाम से लॉन्च किया जाता है, सबसे बड़ी बात किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए।